इन टच विद द गवर्नमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो सर उनको क्या एतराज था, क्यों वो जैसे तैमूर पांडे साहब कह रहे हैं फिक्सेटेड ऑन एग्जाम्स, क्यों उनकी जिद थी या ये वो चाहते थे कि इन सूरत हाल के अंदर भी इम्तहान आते हैं। और सर ये भी हमें बताइएगा कि दुनिया के बाकी ममालिक, क्योंकि ऑब्वियसली पेंडेमिक है, बहुत से और ममालिक ऐसे हैं, हमारे खत्ते में ऐसे मुल्क हैं जिनमें यही सूरत हाल है, वहां उन्होंने किस तरह मैनेज किया है इस सारी सिचुएशन को? मैडम केंद्र जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, ये खाली केंद्र नहीं है, बरतानिया में इस तरीके के बेतहाशा दर्जनों एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, उन्होंने अपनी क्लियर कम्युनिकेट की थी मुख्तलिफ हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत के साथ उनकी कम्युनिकेशन में ये था कि आप अपनी कोविड सिचुएशन को सामने रखते हुए, चुनाचे एनसीओसी के फैसले को सामने रखते हुए आप अपना डिसीजन लें कि आप पाकिस्तान के कैम्ब्रिज के तलबा को प्रिडिक्टेड स्कूल रिसर्च ग्रेड की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमने ये जिद लगाई हुई थी, थोड़ा सा आप उसको कह लें कि ये एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड टाइमली डिसीजन है कि नहीं हमने बच्चों को पर्चा कराना है, वो इसलिए कि जी डेढ़ साल से बच्चे जो हैं वो तालीमी सिलसिले और एग्जामिनेशन और असेसमेंट के सिस्टम से बाहर हैं, तो पर्चा देंगे उससे जो है वो बच्चे का चर्चा होगा और उसकी ट्रू लर्निंग असेसमेंट होगी। हमें ये देखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी बंदिश है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिससे 1.6 बिलियन तलबा तालीम और तजरीद की सिचुएशन से बाहर है। तो हमने ये नहीं सोचा कि वी आर लिविंग इन चैलेंजिंग टाइम वेयर द ह्यूमैनिटी इज एट रिस्क, हमें प्रिडिक्टेड और स्कूल रिसर्च ग्रेड्स को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो कैम्ब्रिज का फ्रेमवर्क है जिसमें जो असास्ता है वो बच्चों का रिजल्ट, उनकी असेसमेंट, अचीवमेंट, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट और इंटरनल स्कूल रिजल्ट की बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं, स्कूल उसको वैलिडेट करता है और मॉडरेट करता है और वो कैम्ब्रिज को भेजता है। ये जो स्कूल्स हैं ये कैम्ब्रिज के अप्रूव्ड एग्जाम सेंटर्स हैं और इसको ब्रिटिश काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिवली रेगुलेट करता है। तो हमने जो गलती की वो ये कि एक अना का मसला बना लिया कि भाई पिछले साल बच्चों का मुक्ता लग गया था और स्कूल असेस ग्रेड मिल गए थे, तो इस साल उनको स्कूल असेस ग्रेड नहीं मिले। ये गलत,